गाइस, वेलकम टू द स्टार ब्यूटी चैनल। सो अब से ये वेलकम टू द स्टार ब्यूटी चैनल ही नहीं, ये है वेलकम टू द स्टार ब्यूटी मॉडल स्टोरी चैनल। सो आज हम एक रूल बनाते हैं, हर एक महीने एक एक मॉरल स्टोरी होगी। तो आज पहला महीना है, तो आज हम डालेंगे एक नई मॉरल स्टोरी। तो आज मैं आपको कैसे लग रही हूँ, मैं आई हूँ तुम्हारी आप सबकी दोस्त जैस्मीन। आज के कहानी का शीर्षक है सच्चा सॉरी, सच्चाई की अहमियत। की अहमियत से मतलब है मेरा, जैसे कि आप कुछ भी सच बोलते हो वो आप सोच समझ के बोलो। तो अब हम ये देखेंगे अपने स्टोरी में। घर में बैठा अपनी दादी से बातें कर रहा होता है। दादी, पापा इतने खड़ूस क्यों हैं? चल पागल, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, आप तो उनकी तरफदारी करोगी ही। तेरी माँ भी तो तेरी तरफदारी करती है ना। क्या बात, दादी पोते के बीच क्या बातें चल रही है जो इतना जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही है? वो तो तुम हम दोनों के बीच में ही रहने दो, तुम माँ बेटे अपनी बातें करो। ये सही है। सबके हंसने की आवाज सुनकर पापा भी वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं, अरे भाई ऐसा क्या हो गया जो सभी इतना हंस रहे हैं? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुन्ना की बातों पर हंस रहे थे। तुम यहाँ बैठे हंसी मजाक ही करते रहना, चलो जाकर पढ़ाई करो। लेकिन पापा। कोई लेकिन वेकिन नहीं, परीक्षा के बाद जो चाहे करना, पर अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुन्ना वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है और पढ़ाई करने बैठ जाता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और मुन्ना की परीक्षा खत्म हो जाती है। एक दिन मुन्ना सुबह जल्दी तैयार होकर समय से पहले ही स्कूल पहुंच जाता है, जहां स्कूल के बरामदे में उसके दोस्त बैठे बातें कर रहे होते हैं। मुन्ना भी उनके साथ जाकर बैठ जाता है। हाँ तो दोस्तों, आज की योजना तैयार है? हाँ, सब कुछ तैयार है। आज हम अपना काम पूरा करके रहेंगे। किसी तरह की कोई गलती तो नहीं होगी? गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, हमने सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार किया है। ठीक है, फिर आज यही करते हैं। घंटी बजते ही सभी बच्चे भागते हुए अपनी अपनी कक्षा में चले जाते हैं, जिसके बाद वो सब शांति से बैठकर पढ़ाई करते हैं। और कुछ देर में कक्षा समाप्त होने के बाद जब सभी बच्चे भागते हुए कक्षा से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी मुन्ना और उसके दोस्त कक्षा के एक बच्चे को अपने पास रोक लेते हैं। अरे राजन सुनो जरा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें मुझसे क्या काम है? हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, जिसके लिए हम तुम्हारे मन पसंद लड्डू भी लेकर आए हैं। ऐसा है तो ठीक है। चारों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और लड्डू खाते हुए स्कूल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जहां एक बड़ी गाड़ी खड़ी होती है। अच्छा तो दोस्तों, मेरी गाड़ी आ गई, मैं चलता हूं, कल मिलेंगे। ये बोलकर राजन गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और वहां से चला जाता है, जिसके बाद बाकी तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लगते हैं। लगता है ये योजना जरूर काम करेगी। अब इसे पता चलेगा कि हमसे दुश्मनी करने का क्या परिणाम होता है। इसके बाद वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। मैंने आखिर इन सभी के साथ क्या किया है जो ये सब मुझे इतना नापसंद करते हैं? मुझे जमाल गोटा खिलाकर वो सब बहुत मजे ले रहे हैं, लेकिन मैं भी चुप नहीं रहूंगा। इसके बाद राजन पूरे दिन वॉशरूम में अंदर बाहर आता जाता रहता है और मुन्ना और उसके दोस्तों को कोसता रहता है। अगले दिन सुबह जैसे ही राजन स्कूल पहुंचता है, तो मुन्ना और उसके दोस्त उसे स्कूल के दरवाजे पर खड़े मिलते हैं। उन्हें देखकर राजन जल्दी से गाड़ी से उतरता है और भागते हुए उन सभी के पास जाता है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम सभी को दिल से दोस्त बनाया था।
हमें किसी का दोस्त नहीं बनना, खासकर एक झूठे का तो बिल्कुल भी नहीं। मुन्ना और उसके दोस्त वहाँ से कक्षा की तरफ चले जाते हैं, जिनके पीछे पीछे राजन भी कक्षा में चला जाता है। सभी शांति से पढ़ाई करते हैं। छुट्टी की घंटी बजने के बाद जैसे ही बच्चे बाहर जाने लगते हैं, तो राजन मुन्ना और उसके दोस्तों का रास्ता रोक लेता है। तुम सभी को पता है ना मेरे पापा कौन है, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अच्छा, तो आप अपने पुलिस वाले पापा से हमारी शिकायत करोगे? ठीक है, जाओ कर दो शिकायत, हम भी किसी से नहीं डरते। कहीं सच में शिकायत ना कर दे, वरना इसके पापा का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पापा मेरी बहुत पिटाई करेंगे। ये क्या बोल रहे हो मुन्ना, अगर इसने सच में अपने पापा से हमारी शिकायत कर दी तो? हाँ मुन्ना, सबकी बहुत पिटाई होगी, हमें इससे माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन इसने भी तो मेरे साथ बहुत बुरा किया था, तब तो किसी ने भी इससे माफी मांगने के लिए नहीं कहा। मुन्ना की बात सुनकर राजन एकदम हैरान रह जाता है। मैंने क्या किया मुन्ना? देखो जरा, ड्रामा तो ऐसे कर रहा है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो मैंने क्या किया है। अच्छा तो सुनो, उस दिन जब आधी छुट्टी के समय पूरी छुट्टी की घंटी बजी थी, तो तुमने ही मास्टर जी को मेरी शिकायत की थी। भाई ये शरारत किसकी है, किसने किया है ये सब? मास्टर जी, इसने किया है। घंटी बजने के बाद जब मैंने बाहर आकर देखा तो मुन्ना ही घंटी के पास खड़ा था। नहीं, ये मैंने नहीं किया। रे पहले तो शैतानी करते हो, फिर झूठ भी बोलते हो, आज तो तुमने सजा मिलके ही रहेगी, चलो मेरे साथ। नहीं मास्टर जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए मास्टर जी। मास्टर जी, मैंने कोई शरारत नहीं की, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे उस शरारत की सजा मिली जो मैंने की ही नहीं थी। किसी ने भी मेरा भरोसा नहीं किया, पापा ने भी मुझे बहुत डांटा, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मुन्ना की बात सुनकर राजन एकदम हक्का बक्का रह जाता है। वो हैरानी से मुन्ना की बात सुन रहा होता है और फिर उसका जवाब देते हुए बोलता है। मुन्ना, मेरा यकीन करो, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। इस बार की परीक्षा में मैं अव्वल आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे जलते हो, तो मैं कैसे मान लूं कि तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया? घंटी बजने के बाद जैसे ही सब बाहर आए तो मैंने घंटी के पास तुम्हें ही खड़ा देखा, इसलिए मुझे लगा कि वो सब तुमने किया है, और फिर मास्टर जी के पूछने पर सच बोलते हुए मैंने वही बोला जो देखा, पर उसके बाद मुझे पता चला कि वो शरारत तुमने नहीं की थी, जिस पर मैं तुमसे माफी मांगने भी आया था, पर तुम मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा थे कि तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझे अभी भी तुम पर भरोसा नहीं है, तुम बहुत बड़े झूठे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है, और उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। राजन की बात सुनकर और उसका चेहरा देखकर मुन्ना को उस पर भरोसा हो जाता है और वो उसे माफ कर देता है, जिसके बाद वो सभी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हमेशा एक साथ रहने लगते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छा चलिए, अब जल्दी से ये बताइए कि आपको आज की कहानी का सबसे अच्छा भाग कौन सा लगा, और अगर आप मेरी या राजन जैसे किसी परिस्थिति में फंसे होते तो क्या करते, हमें अपने जवाब जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए। बाय। शिक्षा मिलती है कि कभी भी पूरा सच जाने बिना हमें किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि स्टोरी में हमें ये शिक्षा मिली कि आपको कभी भी बिना सोचे समझे झूठ या सच का साथ नहीं देना चाहिए। कैसी लगी वीडियो, लाइक करना, अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।